जबरदस्त नबी का नाम सुना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बोलो नाम सुना है कि नहीं सुना? बड़े जबरदस्त नबी गुजरे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी बस्ती से गुजर हुआ, किसी इलाके से गुजर हुआ, तो क्या देखते हैं कि उस बस्ती में लंबे चौड़े पहाड़, पहाड़ समझते हो ना भाई, लंबे चौड़े पहाड़ है और पहाड़ से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब हजरत ईसा बड़े परेशान कि पहाड़ में से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो उस बस्ती वालों से पूछा कि रे पहाड़ में से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है? तो बस्ती वालों ने जवाब दिया, ईसा अलैहिस्सलाम हमें नहीं मालूम, हम तो जब से यहाँ पर बसे यही आवाज को सुनते आ रहे हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कर ली, इलाहुल आलमीन ये पहाड़ का मैं हाल मालूम करना चाहता हूँ, पहाड़ को बोलने की ताकत अता फरमा दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है भाई? अल्लाह ने पहाड़ को बोलने की ताकत दे दी। पहाड़ कहने लगा, बताओ ईसा तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए पहाड़ तू तो बेजान मखलूक है, तुझसे चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज कैसे आ रही है? उस वक्त पहाड़ का जवाब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, पहाड़ क्या कहता है? ए अल्लाह के नबी ईसा में वो पहाड़ो कि लोग मुझे तराशते हैं यानी काटते हैं और काट काट कर मेरे भूत बनाते हैं। भूत समझते हो मूर्ति जिसकी पूजा करते हैं, भूत बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और लोग उनकी इबादत करते हैं, अल्लाह को छोड़कर उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ईसा, ये लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर भूतों की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से वो जहन्नम में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मुझे भी डर है कि अल्लाह इनके अमल से मुझे भी आग में न जला दे, इसलिए कि मैंने अल्लाह का फरमान सुना है, फतकुन नार अल्लती वकूदुहा الناس والحجارة أعدت للكافرين। अल्लाह फरमाते जहन्नम की आग से बचो इसलिए कि इसका ईंधन इंसान और पत्थर है, दुनिया की आग लकड़ियों से जलाई जाती है, जहन्नम की आग इंसानों से जलाई जाएगी। और जहन्नम की आग के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस का इतना हिस्सा के सुई के सुराख के बराबर का हिस्सा अगर दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाए। अंदाजा लगाओ यार, बर्दाश्त होगी? अब पहाड़ बेजान है, उसको डरने की जरूरत है? अल्लाह के नबी पर वही आ गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पर वही आ गई, ए ईसा पहाड़ तो बता दो कि तुझ पर तो कोई पकड़ नहीं है, तुझ पर तो कोई अज़ाब नहीं है, तू तो बेजान है, तेरा क्या गुनाह हो सकता है? असल हदीस में किस्सा सुनाकर समझाना ये चाह है कि देखो पहाड़ है जो इतना मजबूत है जिसको हम उठा ना सके, वो जहन्नम की आग से इतना डरता है, तो हम तो कमजोर इंसान है, सिर्फ पांव में कांटा भी चुभ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, तो नमाजें छोड़कर, रमजान के रोजे छोड़कर, गुनाह करके हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे?